एक बात मैं आपको बता दूं ये ड्रामा जितना बड़ा है ना तो ज़रूरी नहीं है ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बोर कर देंगी तो इस वीडियो में मैं तफसील से बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें जो आपको इस ड्रामे में डेफ़िनेटली पसंद आने वाली हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद आएंगी और उसका मैं आपको प्रूफ भी दूँगा तो वीडियो को आंट तक जरूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो गाइस ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम फ़हत मुस्तफ़ा और हानिया आमिर लीडिंग रोल में हमें देखने को मिल रहे हैं और ये कपल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है व्यूवर्स में और फ़ात मुस्तफ़ी कोई पंद्रह से दस साल बाद अपने ड्रामास में वापसी कर रहे हैं इससे पहले ये जीतो पाकिस्तानी कर रहे थे और ड्राम बना रहे थे लेकिन अब एक कुछ दस साल बाद ये ड्रामा सीरियल कर रहे हैं और इससे पहले फिल्में भी कर रहे थे ये और हानिया आमिर तो हमें ड्राम में दिखती रहती हैं लेकिन फ़हत मुस्तफ़ा के साथ इनका ये पहला प्रोजेक्ट है और इनका कपल जो है वो आने से पहले ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो गाइस ड्रामे की जो सबसे खास बात है ना वो ये कि इस ड्रामे को लिखा है फरत इश्तियाक ने फ़रत इश्तियाक इससे पहले पाकिस्तान की बहुत से मास्टर पीस लिख चुके हैं जिनमें उडारी और दियारे दिल ये दिल मेरा बहुत से ड्रामा शामिल है तो फ़रत इश्तियाक तो सुपर डुपर राइटर हैं लेकिन हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक चीज़ तो आपको पसंद आएगी लेकिन एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बोर कर देगी और वो है इस ड्रामे की डायरेक्शन जी हाँ दोस्तों ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं बदर महमूद और बदर महमूद के ड्रामास आप लोग को बदर महमूद इससे पहले हमें मैं ड्रामा देख चुके हैं और बदर महमूद के अभी लास्ट जितने तीन चार ड्रामा आए ना सब बहुत ज़्यादा फजूल गए चाहे उसमें बड़ी से बड़ी कास्ट हो वहाज अली और आयजा खान थे कास्ट में और ड्रामा बहुत ज़्यादा फजूल था और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को बदर महमूद से कि शायद बदर महमूद मैं ड्रामे को खराब ना करें लेकिन उन्होंने वही करा उस ड्रामे को ड्रैक कर दिया इससे पहले उन्होंने बहुत से ड्रामाज डायरेक्ट किए हैं और सारे के सारे बकवास ड्रामाज गए सिवाय चीख ड्रामे के चीख ड्रामा भी ड्रैग हुआ था लेकिन वो इतना ज़्यादा बेकार नहीं था जितना बदर महमूद के बाकी ड्रामाज बेकार गए तो हाँ बदर महमूद से ना मुझे सच में इस ड्रामे में वो है कि शायद ये ड्रामे को ख़राब कर दें लेकिन फ़रत का स्क्रिप्ट है तो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा इसमें कि फ़रत इश्त ने इजात दे दी कि भाई अपना ड्रामा बदर महमूद को डायरेक्ट कर ले दें क्योंकि बहुत से ड्राम अभी मैं लास्ट टाइम जितने भी आप बदर महमूद के ड्रामे देखेंगे मुझे प्यार हुआ था अभी आया वो भी बहुत ज़्यादा बेकार था तो बदर महमूद से मुझे तो सच में कोई उम्मीद नहीं है तो अगर जब बात करते हैं ये ड्रामा आएगा कब तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ए आर वाई डिजिटल आजकल अपने ड्रामाज को दो दिन नशर कर रहा है यानी कि इनके जो प्राइम टाइम ए पी के ड्रामाज होते हैं वो तो दो दिन आते हैं हफ्ते में जैसे कि पीर और मंगल बुध और जुमरात जुम्मा और हफ्ता तो ये ड्रामा जो है पीर और मंगल वाले दिन हमें देखने को मिलेगा और ये ड्रामा बंस रोड के रोमियो जुलट जो अपने अख्तितम पर ही है। उस ड्रामे को रिप्लेस करेगा तो ये हमें पीर और मंगल वाले दिन देखने को मिलेगा तो आप लोग इस ड्रामे के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं और किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसके कपल के लिए फरत की राइटिंग के लिए या फिर बदन महमूद की डायरेक्शन के लिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बाकी और कोई अपडेट्स मिली तो आप तक जरूर शेयर करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा बेलाइक को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें